सबसे पहले बात होगी गोल्ड की। गोल्ड को लेकर मनोज जी आपका क्या व्यू है, क्या लग रहा है आने वाले दिनों में गोल्ड कैसा परफॉर्म कर सकता है, जो तेजी की शुरुआत हो चुकी है, क्या 50,000 का भी लेवल आपको दिख रहा है आने वाले समय में? नमस्कार विष्णुमोहन जी, बिल्कुल सबसे पहले आपको और सारे व्यूवर्स को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद है कि आगे भी अगले वर्ष में अच्छे रिटर्न्स जो है इन्वेस्टर्स के यहाँ पे बनेंगे। जहाँ तक गोल्ड की बात की जाए, बिल्कुल यहाँ पे जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव बना हुआ है। गोल्ड $1,800 पर ट्राउंस के आसपास जो है अब यहाँ इंटरनेशनल मार्केट में कारोबार कर रहा है। जो US के इन्फ्लेशन की रिपोर्ट्स आई थी उसके बाद से हमने डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आते हुए देखी और वहाँ से फिर एक बार सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती आते हुए देखी है। IMF की तरफ से ग्लोबल ग्रोथ के जो अनुमान घटाए गए हैं वहाँ से भी सेफ हेवन डिमांड एक बार फिर सोने और चांदी में इमर्ज होती हुई दिखी है। तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। ग्लोबल इन्फ्लेशन अभी भी यहाँ बड़ा कंसर्न है। जिस तरह से ग्लोबल एनर्जी के प्राइजेस जो है वो रिकॉर्ड हाइस पर बने हुए हैं, तो आने वाले समय में जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो हायर साइड पर रहेगा और सोने और चांदी की कीमतों को यहाँ सपोर्ट मिलता रहेगा। हमारा मानना है कि सोने में यहाँ $1,850 पर ट्राउंस शॉर्ट टर्म में इंटरनेशनल मार्केट में फिर देखने को मिल सकते हैं। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी 48,500-49,000 तक के लेवल्स जो है वो यहाँ शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल मोमेंटम पॉजिटिव है। थोड़ा भी कहीं डिप मिलता है 47,850-47,900 के रेंजेस में तो बिल्कुल बाइंग करके चलना चाहिए। एक स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 47,500 के नीचे का लगा करके रखें और ऊपर में 48,500-49,000 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। यानी 48,500-49,000 के आसपास का लक्ष्य भी गोल्ड में पोजिशनल व्यू है तो आपको ये दिख सकते हैं। मनोज जी का ऐसा मानना है। अनुज जी आपको क्या लगता है कि गोल्ड कहाँ तक जा सकता है? अगर पोजिशनल किसी का नज़रिया है तो क्या करना चाहिए, क्या खरीदारी करनी चाहिए, और अगर खरीदे तो किस लेवल तक वेट करें, कहाँ तक का नया टारगेट दिख सकता है? अनुज जी विष्णुमोहन जी गुड आफ्टरनून। देखिए सबसे पहले तो आपको दशहरा और आपके सभी व्यूअर्स को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए गोल्ड देखें तो आप करीबन हम देखें तो $1,680 के महत्वपूर्ण सपोर्ट से मार्केट रिवर्स हुआ है और अब करीबन $1,790 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। तो ये जो $100 का एक सपोर्ट जोन था ये मार्केट ने अच्छी तरह ब्रीच किया है और इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट में भी भावों में ट्रेडिंग आती हुई दिखाई दी है। कहीं ना कहीं जो एक मिथ था कि मार्केट नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा, वहां से मार्केट अब निकलता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि जिस तरीके से IMF ने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को लोअर किया है और फिजिकल डिमांड जो है इस बार चारों तरफ से देखने भी है तो यहाँ पे काफी सपोर्टिव फैक्टर रहा है और जिसकी वजह से हमने देखा है कि गोल्ड में एक अच्छा बाउंस बैक आता है। लगता है कि गोल्ड ऊपर में वेरी शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि दिवाली तक या दिवाली से पहले हम 48,500 तक के लेवल में देख सकते हैं। नीचे हमें लगता है कि अगर यहाँ से 400-500 रुपये गिरावट अगर मिलती है, इवन करंट रेट से भी हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ऊपर में 48,000 से लेकर 48,500 तक के लेवल देखेंगे, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में $1,820 से लेकर $1,850 तक के लेवल जल्दी ही देखने को मिलेंगे। और अगर $1,850 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो फिर हम गोल्ड को $1,900 की टेरिटरी में आते हुए देखेंगे, जो कि करीबन हम 49,000 से लेकर 50,000 तक के टारगेट को गोल्ड को देख सकते हैं। तो गोल्ड मुझे लगता है कि अब एक पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहा है और जिस तरीके से हम पहले भी आपके शो के थ्रू बात करते आए हैं कि एक गोल्ड जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और बायो इंडस्ट्री की स्ट्रेटेजी रहेगी तो वो यहाँ पर होते हुए दिखाई दिया और हमने देखा है कि लोअर लेवल से अच्छा बाउंस बैक गोल्ड में आता हुआ दिखाई दिया है। यानी अभी तक दो जानकार उनको लगता है कि गोल्ड एक दमदार परफॉर्म करेगा और 48,500 से 49,000 के टारगेट आ रहे हैं पोजिशनल अगर आपका व्यू है तो।